नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पाकिस्तान की तरफ से भारतीयों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का खेल खेला जा रहा है। पिछले दिनों देश की खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान कराची के कॉल सेंटर से फर्जी कॉल कराकर भारतीय सुरक्षा बलों को हनी ट्रैप में फंसाए जाने की साजिश रची जा रही है। पाक खुफिया एजेंसी ISI भारतीय रक्षा संस्थाओं से जुड़े अधिकारियों और जवानों को हनी ट्रैप करने के लिए ऑपरेशन में तेजी ला रहा है। आपको याद ही होगा, पिछले दिनों DRDO के एक साइंटिस्ट की हनी ट्रैप के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा किया गया था। ऐसे में यूपी के नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे भारतीय युवाओं पर हनी ट्रैप का खतरा मंडरा रहा है। इस मामले में किसी पाकिस्तानी साजिश की बू आ रही है। पूरी दुनिया में फेमस PUBG गेम के सहारे कई तरह की वारदातों को अंजाम भी दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नोएडा से, जिसने नोएडा पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है और ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है, नोएडा के रबूपुरा के सचिन नाम के युवक को PUBG गेम के दौरान कराची की सीमा नाम की महिला से प्यार हुआ। सीमा 4 बच्चों की माँ है और कराची की रहने वाली है। PUBG गेम खेलते खेलते दोनों में प्यार हुआ और नंबर एक्सचेंज किए गए। काफी दिनों तक दोनों फोन पर बातचीत करते रहे। दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। सीमा ने अपने बच्चों के साथ किसी तरह से नेपाल का वीजा बनवा लिया। लगभग एक महीने पहले नेपाल की सीमा से कराची की महिला भारत में दाखिल हुई। इसके बाद सीमा ने रबूपुरा के सचिन से मुलाकात की। दोनों ने शादी का फैसला किया। भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए युवक और महिला शादी की कोशिशों में जुट गए। जिस वकील के पास ये दोनों पहुंचे थे, उनके अनुसार दोनों को शादी की बहुत जल्दी थी, लेकिन महिला के पास कोई भी वैध डॉक्यूमेंट नहीं थे। इसकी जानकारी गौतम बुद्ध नगर पुलिस को लगी। पुलिस को जानकारी मिली कि 4 बच्चों के साथ कराची की एक महिला अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आई है। आला अधिकारियों के आदेश के बाद कमिश्नरेट पुलिस की टीम मामले की तह तक जाने के लिए महिला और युवक की तलाश में जुट गई। पुलिस के सक्रिय होते ही महिला अपने 4 बच्चों और युवक को लेकर फरार हो गई। महिला के जेवर की तरफ जाने की बात कही जा रही है। पुलिस टैक्सी चालक और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि यह मामला जासूसी या हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ हो सकता है। जिस वकील से युवक और महिला शादी की बात कर रहे थे, उसी वकील को शक हुआ तो पुलिस को जानकारी दी गई। वकील की माने तो महिला ने अपने बारे में जानकारी दी है। महिला ने बताया कि उसका पति पाकिस्तानी सेना में तैनात है। महिला का पति 4 सालों से उससे दूर रहता है। महिला के साथ आए 4 बच्चों की आयु 3 से लेकर 8 साल की है। सीमा बार बार दिल्ली घूमने की जिद कर रही थी। बातों पर शक होने के बाद वकील ने पुलिस को जानकारी दी। महिला के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट और नेपाल का वीजा है, जो एक्सपायर बताया जा रहा है। महिला के पास भारत में रहने का कोई भी वैध प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, लेकिन ये पूरे देश के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस मामले को लेकर गंभीर भी है। हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से हिंदू युवाओं का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये भी महिला इसी मंसूबे से भारत आई है, तो आगे की तस्वीर इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये महिला इतने दिनों से भारत में रह रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन को अभी तक इसकी भनक नहीं लगी थी। पुलिस को इसकी सूचना तक नहीं थी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और कहीं ये मामला जासूसी से जुड़ा तो नहीं है, इस एंगल से भी पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।